देखिए वैसे एक तरीके से ये भी देखा जाएगा, दिल्ली में इम्प्रूवमेंट के चांसेस जितने बाकी स्टेट्स में हैं उतने हैं ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी से ही कि आगे और ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे ताकि रोज़गार सभी को मिले। छोटे स्तर तक जो अदर पार्टी है उसमें ये सब तो जातिवाद का वो रखते हैं, उसके बेस पर काम करते हैं। बीजेपी देखो, सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो या सपा हो बसपा हो कोई भी हो, काम होना चाहिए विकास के पथ पे। हमें जातिवाद से हमें लेना देना नहीं है। ये हिंदू मुस्लिम का जो होता है इस पे दंगे होते थे कि अभी जो नौजवान लोग हैं जो अभी स्पेशली किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं उस पे ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है उनका। नीतीश का जो महागठबंधन है लालू यादव जी के साथ वो कहीं ना कहीं सही है पहले एज रिस्पेक्ट टू बीजेपी के साथ। जाति विवाद ज़्यादा हो रहा है और जाति विवाद के चक्कर में क्या है कि आम इंसान तो अपना मतलब जोखिम जान अपना जो जान जो है अपना जोखिम में डाल रहे हैं। देखिए पीएम का फेस तो अभी राहुल जी भी हो सकते हैं, हिंदू को लेकर के ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा होगा या कोई हो सकता है कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा बढ़ावा देता होगा। तो ये देखिए बढ़ावा देना ये तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदीप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। हम डेली आपको दिखाते हैं किस्सा कुर्सी का, जन समस्याओं को लेकर या लोकसभा चुनाव को लेकर हम डेली जनता से बात करते हैं और जनता को आपसे रूबरू करवाते हैं। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चलेंगे जनता के बीच में और लेंगे जनता से जनता की राय, क्योंकि कल ही अभी आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली है, तो इन सभी मुद्दों पर हम चलेंगे, जनता से करेंगे जनता से बात। कहाँ रहने वाले आप? दिल्ली। दिल्ली, दिल्ली में तो अगर देखें जिस तरीके से केजरीवाल कहते रहते हैं हमने विकास किया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, अब कहीं उनकी पार्टी देखिए राष्ट्रीय पार्टी बन गई, उन्होंने सबको शुभकामनाएं दिया और उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए हमने बहुत मेहनत की, जो मुद्दा था हमने उस पर वोट मांगा। और जहां आम आदमी पार्टी के बारे में अगर देखा जाए एक विधायक भी लोग नहीं सोचते थे, आज वो पार्टी उभर कर क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। तो आपको लगता है केजरीवाल के कामों से जनता संतुष्ट है वहाँ की, आप संतुष्ट हैं? देखिए दिल्ली में अगर जितना देखा जाए उन्होंने किया है एज़ फार एज़ एजुकेशन इज़ कंसर्न, स्कूल्स अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं गया भी हूँ, देखा भी है, स्कूल में है इम्प्रूवमेंट। और जो मोहल्ला क्लिनिक की आप बात कर रहे हैं वो भी चल रहे हैं, सब जगह पे इतनी अच्छी तरीके से नहीं है पर बेटर तो है ही, क्योंकि पहले से तो बेटर है ही। सच जैसे निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जा रही है, बता रहे हैं कि 7 से 63 वोट पड़ेंगे, आपको लगता है निकाय चुनाव पास में है तो निकाय चुनाव में कुछ प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए दिल्ली के बाहर इतना कुछ इम्पैक्ट होगा उनके पार्टी का मुझे वो नहीं लगता, दिल्ली में उनका चल सकता था, चला भी है, बाकी मुझे आभार नहीं लगता इतना कुछ। अच्छा, जैसे अभी हम कई जगहों पर हम लोग गए बात किए तो लोग कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक जो है हर जगह नहीं है, केवल दिखावे के लिए शहर के कुछ क्षेत्रों में है, और जो स्कूल हैं वो लगभग कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जिसको चमकाया ला के बाहरी लोगों को वही दिखाते हैं, जनता वही देखती है, हर जगह स्कूल नहीं सही, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक नहीं सही है। देखिए वैसे एक तरीके से भी देखा जाएगा दिल्ली में इम्प्रूवमेंट के चांसेस जितने बाकी स्टेट्स में हैं उतने हैं ही नहीं, पहले से ही दिल्ली थोड़ा इम्प्रूवड ही है। आप जो कह रहे कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं है वो मैंने भी कहा सब जगह नहीं है, मेरे एरिया में नहीं है पर थोड़े बहुत ही हैं, वो बात आपकी सही है। तो 24 में सरकार किसकी देखते हैं आप, 2024 लोकसभा चुनाव पास है? आप नेशनल इलेक्शन कह रहे हो, मोदी जी आएंगे, बीजेपी आएगी, वो जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है पर इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी, जैसे ज़्यादा पंजाब में है आम आदमी पार्टी का पर ऑल ओवर द कंट्री तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, 2024 चुनाव के नज़र देख लें तो विपक्ष जिस तरीके से बोलता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा, युवाओं को मौका नहीं मिल रहा, तो आप कितना संतुष्ट हैं बीजेपी से? देखिए नॉर्मली है, ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मली है, ज़्यादा कुछ इम्प्रूवमेंट है नहीं। 24 लोकसभा में बीजेपी अगर आती है तो आपको सरकार से और क्या उम्मीदें हैं? सरकार से और क्या उम्मीदें हैं? देखिए क्या उम्मीद है आपको? मुझे तो यही है कि रोज़गार बेटर हो और विकास हो राष्ट्र का, यही। अच्छा, कहाँ रहने वाले हैं आप? मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आपको? हाँ मिलता है। जो सरकार गिनाती अपना काम कि हमने 200 करोड़ शौचालय दे दिए, आवास दे दिया, या कोरोना काल में वैक्सीनेशन फ्री करवा दिया, तो इन सब योजनाओं का लाभ मिला आपको? हाँ मिला है। अच्छा, निकाय चुनाव पास है, निकाय चुनाव क्या कहेंगे आप? एक युवा हैं और युवा की जो सोच होती है वो पूरे समाज को विकसित करती है, पूरे समाज में उसकी सोच फैलती है, लोग अनुभव लेने आते हैं, तो निकाय चुनाव क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? मुझे तो इसका बीजेपी का ही लग रहा है।
बीजेपी का ही, क्योंकि एक तो बीजेपी का जो प्रशासन है वो सही है बाकी जितनी भी सरकारें अभी तक है उसके अपेक्षा बीजेपी ही बेटर लग रही है। महंगाई क्या कहना आपको, जिस तरीके से लगातार विपक्ष भी कहता रहता है, रोजगार बेरोजगारी क्या कहना आपका, या युवाओं की बात कर लें या सीएम योगी आदित्यनाथ की बात कर लें, जिस तरीके से कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाया, मुजफ्फरनगर में पहले दंगे होते थे, त्यौहार पे पहले दंगे होते थे, अब बताते कि शांतिपूर्वक करवाते हैं हम, तो इन सब चीज़ों से कितना संतुष्ट हैं आप और मुजफ्फरनगर आपका कितना संतुष्ट है? नहीं, ये मैं जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्रशासन जो व्यवस्था है मतलब हमारी जो जैसे पहले दंगे होते थे अब नहीं होते, वो तो बात सही है, उसमें काफ़ी सुधार आया, पहले से ज़्यादा जो मतलब कि चोरी वगैरह होती थी डकैती वो कुछ नहीं है, वो उसमें बहुत इम्प्रूव है। लेकिन रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी से मतलब यही है कि उसमें भी इम्प्रूव है, ऐसी बात नहीं कि हर लेवल पे देखना चाहिए ना कि पहले कितनी बेरोजगारी थी अब कितनी है। लेकिन उसमें भी हम अगर मैं अपने स्तर पे बोल दूँ कि बेरोजगारी बिल्कुल बहुत ज़्यादा है ऐसा भी नहीं है, इम्प्रूव है, हर चीज़ में इम्प्रूव है, ऐसी बात नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ बीजेपी से ही कि आगे और ज़्यादा इस चीज़ पे ध्यान दे ताकि रोज़गार सभी को मिले छोटे स्तर तक। अच्छा, बीजेपी से बात कर लें सीएम योगी आदित्यनाथ की और बात कर लें अखिलेश सरकार की, तो दोनों सरकारों में क्या अंतर नज़र आता आपको, और जिस तरीके से लगातार देखिए आप अभी इनका सफाई कार्यक्रम जो चल रहा है स्थापना दिवस बीजेपी का, उधर अखिलेश यादव भी माननीय कांशीराम की प्रतिमा का अनावरण किए, तो कहीं कहीं आपको लगता नहीं कि एक जात को लेकर दोनों पार्टियां चल रही हैं या सपा चल रही है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है कि 15,000 जो ओबीसी पिछड़ा वर्ग है इनके गांव में जाएंगे और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएंगे? देखो आपने जैसा पूछा कि योगी की सरकार और अखिलेश की सरकार क्या अंतर है, इसमें देखो ये तो सब अभी बिल्कुल पता है, सबको ही पता है कि पहले जितनी गुंडागर्दी बदमाशी जितनी पहले थी वो अब बिल्कुल मान के चलो कि नहीं है, थोड़ी बहुत तो होती है मतलब कम बहुत हुई है। अब बात रही इसकी, अब जैसा आपने क्या कि जातिवाद कि पे आपने बात करी, तो वो जो बीजेपी है वो इस पे ज़्यादा नहीं काम चलती जातिवाद पे, वो विकास के ऊपर काम करती है, विकास पे ही अपना वोट शेयर मतलब एक करती है। तो बात ये जैसे ही अखिलेश और मायावती या इस टाइप जो अदर पार्टी है उसमें ये सब तो जातिवाद का वो रखते हैं, उसके बेस पर काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे भैया ने बताया कि जातिवाद करती है पार्टियां और बीजेपी जातिवाद नहीं करती, विकास मुद्दे पर बात करती है, तो कितना सहमत आप? सर बीजेपी देखो सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो या सपा हो बसपा हो कोई भी हो, काम होना चाहिए विकास के पथ पे, हमें जातिवाद से हमें लेना देना नहीं है, विकास होगा तो देश आगे बढ़ेगा और सभी को रोज़गार मिलेगा और इम्प्रूवमेंट होगा अपने देश में। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले जो लगातार अभी आप देख लें कर्नाटक में पीएम मोदी दौरा हो रहा है, दक्षिणी भारत में देख लें आप देख हो रहा है, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक्सरे से ट्रेनिंग मिल रही है वहाँ पे, तो आपको लगता है कि ये सब चुनावी साजिश के तहत या चुनाव पास में रहा इसलिए ये विकास हो रहा है, इसलिए योजनाएँ दे रही हैं, या बीजेपी अपनी योजनाओं को लगातार चलाती रहती है? देखो सर ऐसा नहीं है, बीजेपी जब से सत्ता में आई है उसने कई अच्छे काम किए हैं, जैसे कि आप रोडें देख लीजिए, बीजेपी ने सबसे ज़्यादा रोड निर्माण करवाया और प्रशासन भी काफ़ी हद तक करप्शन कम हुआ है जो भी है, बाकी बीजेपी का ऐसा कुछ नहीं है कि वोट शेयर की वजह से वो कार्य कर रही है, वो अपने निरंतर कार्य जैसे करती है वैसे करती आई है। बिल्कुल, जिस तरीके से कह रहे हैं भैया कि बीजेपी जो है अपने कार्य को लगातार करती रहती है, वो जात की राजनीति नहीं करती, वो राष्ट्र की राजनीति करती है और विकास के मुद्दे पर बात करती है, विकास के मुद्दे चुनाव लड़ती है। ये तो सही है सर जी, ये बात तो एब्सोल्युटली सही है, क्योंकि विकास के मुद्दे में हमारे गोरखपुर में, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हमारे गोरखपुर में जब से बीजेपी आई है, योगी का राज जब से चल रहा है, तब से गुंडागर्दी तो मिनिमम समझ लीजिए कि अगर जो 50% समझिए तो 10% हो रही है अभी, लेकिन उतने तो छोटे मोटे होते थे, हर सीजन में हिंदू मुस्लिम का जो होता है इस पे दंगे होते थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई है गोरखपुर में तो दंगे एकदम नामात्र हो गए हैं, और विकास के मामले में जो सड़कें थे गोरखपुर में पहले चलने लायक शहर नहीं था, लेकिन अब इतने समय अच्छे खासे विकास हो गए हैं। अच्छा, लेकिन गोरखपुर से तो योगी आदित्यनाथ काफ़ी एक लंबे अरसे से सांसद हुआ करते, सांसद तो लगभग 5-7 साल से वहाँ से सांसद थे, पाँच सात बार थे, पाँच सात बार वो सांसद बने थे वहाँ से।
विकास अभी क्यों किया उन्होंने? विकास तो पहले भी हो रहा था, लेकिन जब से वो सांसद थे तो उतना इफेक्ट नहीं हो पड़ रहा था गोरखपुर से, लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से। आपके कहने का मतलब जैसे सीएम योगी सूबे के मुखिया बने हैं तब से विकास की दिशा में और तेज बह रही है, तो 24 सरकार कैसे देखते हैं आप? अगर गोरखपुर रहने वाले हैं, अयोध्या आपसे सटा हुआ है, तो आपको गोरखपुर, अयोध्या या पूरे उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश सरकार में हुआ ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं जो बीजेपी सरकार में हो रही है? नहीं, एक तो पहले रोजगार अखिलेश सरकार में तो जातिवाद था मैक्सिमम। अभी किसी भी पोस्ट पे देख लीजिए, अगर जो कोई भी वैकेंसी निकलती थी और उसमें मैक्सिमम लोग यादव लोग होते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, बट अभी इसमें चल रहा था जो 69,000 टीचर की वैकेंसी निकली हुई थी, इसमें भी कुछ कास्ट को लेके हुआ था। ओबीसी के कुछ लोग ऐसे थे ओबीसी का जिसका हो गया था और फिर भर्ती निरस्त कर दी गई थी, कुछ तो इसमें भी है, परफेक्ट ये भी नहीं है। अच्छा, निकाय चुनाव की बात करें, निकाय चुनाव आप किस नज़रिए देखते हैं? ये निकाय चुनाव में जनता जो है पर्सनल वोट करेगी या पार्टी विशेष वोट करेगी? ये जनता तो पार्टी को देख के ही वोट करेगी। पार्टी तो 24 में आपके हिसाब से सरकार किसकी बनेगी, सरकार कौन आ रहा है? सरकार तो बीजेपी की सरकार आएगी। और भी पार्टियां तो हैं? नहीं, पार्टियां तो हैं बहुत, लेकिन सरकार बनेगी तो बीजेपी की। बिल्कुल भैया, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, अभी आपने बताया कि बीजेपी सरकार में चीज़ें सही हैं, लेकिन उनको कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। बिल्कुल, कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। जैसे अब आप इनसे बात कर रहे थे कि पॉलिटिक्स में जातिवाद होता है कि नहीं होता। देखिए, बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, इंडिया में जातिवाद तो होता ही है। जब तक इलेक्शन चलेंगे इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ऐसी है और सोचती भी इस तरीके से, जातिवाद तो होता ही है। और अगर इम्प्रूवमेंट देखें तो जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें इम्प्रूवमेंट है। ये काफ़ी टाइम से बात कर रहे थे कि चेंज होना चाहिए सिस्टम थोड़ा, तो वो हो चुका है। और अब जैसे फौज में भर्ती निकली थी अग्निवीर की, उसमें भी इम्प्रूवमेंट है, पर उसमें भी सारे लोग सहमत नहीं है उस पॉलिसी से, काफ़ी दंगे वंगे भी हुए थे। तो बैलेंस है, मतलब कुछ पॉजिटिव्स हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी हैं, ऐसे नहीं कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट चल रही है। कुछ पॉजिटिव हैं तो कुछ नेगेटिव भी हैं। भैया, क्या कहना आपको 2024 लोकसभा चुनाव के लिए? 2024 लोकसभा चुनाव के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, प्रधानमंत्री जी तो टाइम टू टाइम जो कर रहे हैं, बट क्या है कि अभी जो नौजवान लोग हैं, जो भी स्पेशली किसी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा है उनका। ठीक है, अभी क्या है कि आप देखेंगे ढेर सारे लोग यूपीएससी का, बीपीएससी का, एसएससी वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, और समय से समय मतलब उनका ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए कि जो नौजवान लोग हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। अच्छा, महंगाई भी विपक्ष का एक लगभग बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। आपको लगता है कि विपक्ष पार्टी महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी को घेरेंगी, या आपको लगता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर से वो प्रधानमंत्री बनेंगे और एक बार फिर से देश की बागडोर अपने हाथों में लेंगे? देखिए, महंगाई की जहाँ तक बात करें ना, डेली बेसिस पर हम लोग देख रहे हैं कि जो डेली बेसिस पे यूज होने वाली जो सामान है सबकी रेटें बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि लोग कब उसको पूरा करेगा? जब हमारे पास कोई जॉब रहेगा, कोई जॉब का मतलब परमानेंट रहेगा, तभी हम लोग उसको भरपाई कर पाएंगे। और अभी देख रहे हैं कि पिछले कई महीनों से जो पेट्रोल का, डीजल का, सीएनजी वगैरह का जो रेट पार्ट बढ़ रहा है, वो देखिए कहीं ना कहीं आम जनता को नीचे ढकेल रही है। जो ऊपर वाले हैं तो ऊपर वाले तो मैनेज अपना उस हिसाब से कर ले रहे हैं, जो नीचे ग्राउंड लेवल का बंदा है वो लोग क्या है कि उन लोग को कष्ट काटना पड़ रहा है, वो लोग अपनी डेली वेजेस मतलब पूरा नहीं कर पा रहा है, जो उसकी नीड है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। अच्छा, कहाँ रहने वाले आप? मैं तो प्रॉपर बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार की बात करें, जिस तरीके से सरकार चल रही है अभी, जिस तरीके दंगे हुए रामनवमी पर, गाड़ियाँ जलाई गई, पत्थर फेंके गए, तो आपको लगता है कि मतलब सरकार की इसमें कुछ कमियाँ थी, या अगर आप अभी यूपी में रहे तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ज़्यादा बेहतर नीतीश है, नीतीश ज़्यादा बेहतर है उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, मेरा क्या मानना, अभी इससे पहले जो हम लोग का महागठबंधन की सरकारें अभी बनी है, जो जेडीयू नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव जी की, वो अभी अच्छा है और वो भी फोकस कर रहे हैं नौकरियों पे, भी ढेर सारी नौकरियां उन लाने का भी कोशिश कर रहे हैं और देने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी अभी के प्रेजेंट टाइम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नीतीश का जो महागठबंधन है लालू यादव जी के साथ, वो कहीं ना कहीं सही है। पहले एज रिस्पेक्ट टू बीजेपी के साथ क्या था कि कोई भी चीज़ें समय पर नहीं हो रहा था, और अभी क्या, अभी तेजस्वी जी लाने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी अभी समय पर नहीं हो रहा है लेकिन लाने का कोशिश कर रहे हैं, और अभी भी बिहार में हमको लग रहा है कि ढेर सारी नौकरियाँ अभी आने वाली हैं। बिहार में ढेर सारी नौकरियां आने लगी हुई हैं। आपने एक सवाल जवाब नहीं दिया जी, उत्तर प्रदेश शासन में बिहार के शासन में कितना अंतर नजर आता है आपको? उत्तर प्रदेश शासन सही है कि बिहार के शासन सही है? कि हमने पहले पूछा आपसे कि जिस तरीके से आगजनी हुई, लोगों पर हमले हुए,
आग ना आपको पहचानेंगे ना हमको पहचानेगी। पत्थर जो चलेंगे दोनों तरफ चलेंगे, दोनों संध्या लोग उसमें जलेंगे, मरेंगे, कटेंगे, तो लगता है आपको सियासी चाल हो सकता है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव पास में, तो आपको लगता है ये पार्टी वोट खींचने के लिए या वोट की राजनीति करने के लिए ये करवाती हैं या जनता खुद ही आपस में भड़क जाती है? देखिए, जो राजनेता हैं, जो चाहे योगी जी हो चाहे नीतीश कुमार जी हो, कहीं ना कहीं अभी क्या है यूपी के अंदर में मैं देख पा रहा हूँ कि क्या है कि जाति विवाद ज़्यादा हो रहा है, और जाति विवाद के चक्कर में क्या है कि आम इंसान तो अपना मतलब जोखिम जान अपना जो जान जो है अपना जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि जो सियासत में बैठे हैं उन लोगों को तो बस अपना बोल दिए और चल गए, उन पर तो खड़े उतर नहीं रहे हैं। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि योगी जी भी कहीं ना कहीं अपना ये जो कर रहे हैं सिस्टम सही नहीं कर रहे हैं। तो 24 सरकार किसकी देखते हैं आप 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, मैं तो 2024 लोकसभा चुनाव में मैं चाहूँगा कि कोई नया चेहरा हो, और वो महागठबंधन का हो, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ योगी मोदी जी का हो। अच्छा, देखिए तो आप एक युवा हैं, तो आपके हिसाब से क्या क्या चेंज होना चाहिए? प्रधानमंत्री आपने बताया कोई नया चेहरा है, और भी क्या चेंजेस आपके हिसाब से होने चाहिए देश में? देखिए, नया चेहरा का मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मोदी जी देखिए 2014 से कंटिन्यूसली अभी आ ही रहे हैं, लेकिन क्या है ना कि सारे सिस्टम में चेंजेज नहीं हो पा रहा है। मैं पहले सबसे पहले बड़ी बात क्या किया कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, उसमें क्या है ढेर सारे लोग जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो तो तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी किए जा रहे हैं, लेकिन समय पे वैकेंसी नहीं आना। और वो सबसे बड़ी मुद्दा क्या बन जाती है ना कि लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, चाहे UPSC का चाहे BPSC का, किसी भी सेक्टर्स का, गवर्नमेंट सेक्टर में हो, लेकिन समय पर उनका वैकेंसी नहीं आना, उनकी समय पे ज्वाइनिंग नहीं होना, वो सबसे बड़ी आफत बनी पड़ी है युवाओं की। अच्छा, आपको लगता है कि 2024 में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एजुकेशन मुद्दा बनेगा या महंगाई मुद्दा बनेगा, बेरोजगारी मुद्दा बनेगी, विपक्ष आपने भी कहा विपक्ष से कोई चेहरा है, महागठबंधन से कोई चेहरा है, तो ये सब तमाम मुद्दे आपको लगता है कि विपक्ष लेकर आएगा, गठबंधन लेकर आएगा? जी जरूर 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 आने की वो लोग कोशिश करेंगे, इसलिए क्योंकि देखिए अभी पिछले सालों से जो मोदी जी हैं ना, बस बाहर बाहर दौरा कर रहे हैं, लेकिन इंटरनल उनके देश में क्या हो रहा है ना, उस पर ज़्यादा फोकस वो नहीं कर पा रहे हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए हमको कि विपक्ष एकजुटता दिखेगा, विपक्ष में एकजुटता दिखेगी, विपक्ष एक साथ आएगा? महागठबंधन सरकार अभी बनाना चाह रहे हैं, आप भी नया चेहरा लेकर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि विपक्ष मान लीजिए कि साथ आ गया, गठबंधन मान लीजिए आपके साथ जीत गया? देखिए, PM का फेस तो अभी राहुल जी भी हो सकते हैं, और भी महागठबंधन में राहुल की सदस्यता चली गई है, राहुल पहले सांसद थे, अब पूर्व सांसद हो गए हैं वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि राहुल जी ही रहेंगे, हो सकता है जो अभी लीड करेंगे, चाहे बिहार के नीतीश कुमार जी हों, चाहे उधर आपका मायावती जी हों, चाहे उधर से आपका वेस्ट बंगाल। अच्छा, ममता कैसे रहेंगी आपके हिसाब से? देखिए, मेरे हिसाब से अभी, लेकिन देखिए, बंगाल में अगर आप ममता को PM के फेस बनाना चाहते हैं, तो बंगाल में किस तरीके से वहाँ पे आज नहीं हुई, आपने देखा लगभग कुछ नहीं तो 40-50 लोग उसमें अपना जीवन खो गए, वो एक प्रकार से आप ये कहिए कि उस आगजनी में, उस हमले में लगभग 40-50 लोगों की मौत हुई, तो आपको लगता है देश को चला पाएंगे ममता बनर्जी अगर एक छोटे से बंगाल को काबू नहीं कर पा रही है तो? देखिए, मौत वाली जहां तक बातें ना, देखिए जो प्रकृति, जो नेचुरल चीज़ें हैं, वो किसी के भी कंट्रोल में, ये नेचुरल नहीं थी, ये आगजनी हुई, दंगा भड़काया गया, पत्थर चले, दो समुदाय में आपस में टकराव हुआ। नहीं, देखिए मैं क्या कहना चाहूँगा, जो स्पेशली जो नेचुरल चीज़ है ना, वो कब घटेगा किसी को नहीं पता होता है। आपको पता होगा एक वाराणसी कांड हुआ था, जो कोटा का छात्र लोग, कई लोग जा रहे थे सफर कोटा में पढ़ने के लिए, IIT की तैयारी करने जा रहे थे, और पुल गिर गया, तो उसमें क्या है कि अब वहाँ पे तो नुकसान आम पब्लिक की है, वहाँ से जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनकी है, और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है जो खामियाँ थी वहाँ पे, जो इंजीनियर वगैरह था, जो उन्होंने कंस्ट्रक्शन के लिए जो प्रोजेक्ट उठाया था, उसमें भी कुछ ना कुछ खामियाँ रही होगी जो पुल गिरा। बिल्कुल, हम लास्ट सवाल आप लेना चाहते हैं कि 2024 लोकसभा पास है, आपको लगता है कि चुनाव जब पास आता है तो पार्टियां हिंदू मुस्लिम करवा देती हैं? देखिए, हिंदू मुस्लिम उनका तो देखिए, जिनको अपना वोट वसूलना है वो कुछ ना कुछ तो गेम खेलेंगे ही, ठीक है। यही है कि मैं यही मेरे नज़र से यही लग रहा है कि चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो, सबको आपस में यूनिटी होना चाहिए, ये नहीं कि मैं हिंदू समुदाय से हूँ और कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है तो एक दूसरे में भेदभाव पैदा करें। हम दोनों के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि हम दोनों के लिए क्या सही है। हो सकता है कि कोई सरकार जो है स्पेशली हिंदू को लेकर के ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा होगा, या कोई हो सकता है कि स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी को ज़्यादा बढ़ावा देता होगा, तो ये देखिए बढ़ावा देना, ये तो हम लोगों में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या करना चाहिए। अच्छा, विपक्ष को आपको नहीं लगता कि एजुकेशन मुद्दा उठाए वो, बेरोजगारी मुद्दा उठाए वो, और भ्रष्टाचारी मुद्दा उठाए 2024 में? देखिए, अभी मैं सबसे पहले आपको भी बताया कि जो अभी बेरोजगार का मुद्दा है, बेरोजगार का जो मुद्दा है वो अभी कहीं ना कहीं दब रहा है, ठीक है। अभी समय से चीज़ें नहीं होना, ये सबसे बड़ी दुविधाजनक बात है, जो स्पेशली जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे, EBM देखें, आप हर चुनाव के बाद एक बड़ा मुद्दा होता है, जिस तरीके से लोग कहते हैं कि EBM का था तो इसलिए ऐसे हो गया, अभी आप देख ले मायावती ने कहा था कि जो निकाय चुनाव होगा इसमें बैलेट पेपर थे वो EBM था ना हो, तो आपको लगता है कि EBM का इस्तेमाल होता है
देखिए ईवीएम मेरा क्या मानना है कि कई जगह ऐसा भी धांधली हुई और सही में हुई है कि जो काउंटिंग के समय में होता है वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपने ना कुछ उलटफेर कर दे रहे हैं अंदर जा करके, या जैसे भी उनकी अब सत्ता जब बीजेपी की है तो कुछ भी कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, बिल्कुल। क्या नाम आपका? संगीता। कहाँ रहने वाली हैं आप? दिल्ली द्वारका। दिल्ली में भी देखिए अगर कल आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी सदस्यता मिल गई, या आम आदमी पार्टी कामों से कितना खुश हैं आप? ठीक ठीक है, वो अपना काम कर भी रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी कमी पेशी भी नज़र आ ही रही है उसके हिसाब से। अच्छा, मोहल्ला क्लिनिक का आप लोगों को कितना लाभ मिलता है? जिस तरीके से लगातार केजरीवाल कहते रहते हैं कि हमने दिल्ली में एक मॉडल दिया मोहल्ला क्लिनिक का, हमने दिल्ली में एक मॉडल दिया, जो स्कूल हैं वो बहुत अच्छे हैं, आर्टिकल प्रधानमंत्री पत्नी आती हैं वो पूरे देश में गुणगान करती हैं। मोहल्ला क्लिनिक तो है हमारे यहाँ पर तो, और स्कूलों का भी रिस्पॉन्स अच्छा है, उन्होंने जो स्कूल खोल रखे हैं मनीष सिसोदिया जी ने, उनके स्कूल अच्छे हैं द्वारका में। अच्छा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में गई है निकाय चुनाव में, आपको लगता है कुछ वहाँ उनका मामला बन पाएगा, कुछ सीटें निकाल पाएंगे? इसका चांस कम है क्योंकि वहाँ पर तो ऑलरेडी छाए हुए हैं वो कौन है वो महंगाई अगर देखा जाए विपक्ष जैसे महंगाई जो सवाल उठाता है, बेरोजगारी सवाल उठाता है, या 2024 लोकसभा चुनाव में आप कैसी पार्टी देखते हैं, किसको आप वोट करना चाहती हैं? अभी बीजेपी का चांस देना चाहते हैं अभी इसके बाद। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बीजेपी के टाइम पे बहुत हुई है खैर, और अभी भी हो ही रही है, आए दिन दूध के रेट बढ़ रहे हैं, राशन के रेट बढ़ रहे हैं, डेली वेजेस की चीज़ों पे बहुत रेट बढ़ रहे हैं, इसमें तो बहुत चांस कम होना चाहिए, लेकिन ये महंगाई तो रुक ही नहीं रही है, ये तो किसी भी सरकार के आने से रुकनी नहीं है, महंगाई तो बढ़नी ही बढ़नी है। तो फिर 2024 किसको सपोर्ट करेंगे आप? बीजेपी की तरफ है हम तो। बीजेपी की तरफ है, हम बात करते हैं कुछ और लोगों से। क्या नाम आपका? ज्योति सैनी। कहाँ रहने वाली आप? ये होशियारपुर सेक्टर 51। होशियारपुर की आप रहने वाली हैं, 2024 में माहौल कैसा दिखता है आपको? अच्छा है, बीजेपी का है और बीजेपी आनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे कोरोना में इन्होंने हैंडल किया है, मुझे लगता है कोई और सरकार नहीं कर पाएगी ऐसा कर पाते। लेकिन बीजेपी में अगर आप देखें तो जो विपक्ष है, जब अभी आपके साथ वालों ने भी कहा कि महंगाई सरकार बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है विपक्ष कुछ या दूसरे देशों को आप देखोगे तो कोई इतनी महंगाई नहीं है जितना मतलब बीजेपी सपोर्ट कर रही है दूसरों को। दोस्त आप पाकिस्तान देखो और जगह देखो कितनी महंगाई है, कंगाली के उस पर है, लेकिन अपने देश में फिर भी सब चल रहा सही चल रहा है। अच्छा, घर आप चलाती होंगी, शादी आपकी हो गई है, तो गृहिणी जो घर को चलाती है किस तरीके से चलाती है? इतनी महंगाई में अगर देखा जाए जहाँ गैस सिलेंडर दाम बढ़ रहे हैं, सब्जी दाम बढ़ रहे हैं, आए दिन दूध के दाम बढ़ रहे हैं। हाँ भैया, दाम तो देखो सब चीज़ के बढ़ रहे हैं इस समय पर, सभी चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, अपना कर रहे हैं, फिर भी खर्चा आपका चल जाता है। देंगे 2024 में आप किसको वोट? बीजेपी को वोट देंगे इतनी महंगाई के बाद भी। हाँ जी मैम, क्या नाम आपका? पूजा गुप्ता सर। कहाँ रहने वाली हैं आप? सर पलवल। पलवल किस जगह पर आता है ये? फरीदाबाद से आ गए सर, हरियाणा में। हरियाणा में, तो हरियाणा में किसकी सरकार है ये? हाँ, हरियाणा में किसकी सरकार है? हरियाणा में पता नहीं मुझे, मैं गुड़गांव में। हाँ जी सर। तो 24 में आप कैसे देखते हैं, किस सरकार को देखती हैं 24 में? बीजेपी। बीजेपी क्यों? पार्टी तो और भी हैं, अब तो आपकी आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है। कोई भी आए अपना काम करे बस ठीक से सर, हम तो यही उम्मीद लेके हर साल इसीलिए हम वोट डालते हैं बस। अच्छा, बीजेपी के शासन में या बीजेपी कह लें आप मोदी से या योगी से या अपने आपके यहाँ हरियाणा में जो सरकार हैं उनसे आप कितना प्रभावित है, कितना खुश हैं? हरियाणा सरकार से ठीक ही है, खास करके लड़कियों के मामले में ठीक है हमारे यहाँ पर। तो लोगों को सुना आपने, लोगों को देखा आपने, जिस तरीके से जनता जो है वो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है, तो कभी कोई कहता है गठबंधन में कोई नया फेस होना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए, कोई नया प्रधानमंत्री बनना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब आप लोगों ने सुना, जो सवाल थे मेरे और जो जनता के जवाब थे आपने भी उसको सुना। रही बात निकाय चुनाव, तो निकाय चुनाव पर जिस तरीके से यहाँ की जनता बोली कि निकाय चुनाव में बीजेपी ही आएगी, उसका रीज़न है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने पाँव पसेर चुकी है, अपने पाँव जमा चुकी है। फिलहाल कैमरामैन सरताज के साथ मैं सुदीप राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।